अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रुखसानाज किचन। दोस्तों कैसी हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती अता करे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव। कढ़ाही में हाफ कप ऑयल लिया है और दरमियाना साइज़ प्याज डालकर ब्राउन कर लिया है इसे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, इससे चावल ज़्यादा डार्क नहीं होते। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तकरीबन दो मिनट के लिए पकाएंगे। उसके साथ हम 4 अदद बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून क्रश लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 से 3 तेज़ पत्ता डाल देंगे और 1 चिकन स्टॉक और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डाल देंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है, तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल देंगे और थोड़ा पकाएंगे इसको। इससे पुलाव का टेस्ट इन्हेंस होता है। तो अब हम इसमें आलू डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उससे आलू जब आधे गल जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें मटर शामिल करेंगे। आलू हाफ कुक हो जाने के बाद हमने इसमें 200 ग्राम मटर शामिल कर दिए और 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दिए। दो गिलास चावल थे तो अब हमने इसमें तकरीबन 4 कप पानी डाल दिया है। मटर और आलू हाफ कुक हो गए हैं तो अब हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं।
लीजिए जनाब, बहुत मज़ेदार आलू मटर पुलाव तैयार हो गया है।